अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डीजे साइंस कॉलेज के का जो एग्ज़ाम था सेकेंड ईयर का, उसकी एमसीक्यू डिस्कस करूँगी। ठीक है, पहला एमसीक्यू जो हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। दिस इज़ वेरी फेमिलियर टू यू गाइज, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड हमारे पास क्या हो जाता है, ऑर्थो सेंटर हो जाता है। सही है, ठीक है, आपके पास आ गया इसका आंसर, ऑर्थो सेंटर बन गया। सेकंड आपके पास है द लाइन 2x + 5y + 3 = 0, 2x + 5y + 3 = 0। अगर ये परपेंडिकुलर के केस होता है तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि कोफिशेंट्स को इंटरचेंज करके साइन चेंज कर देते हैं। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5x - 2y + 3 = 0। दिस इज़ फॉर द केस ऑफ परपेंडिकुलर। थर्ड एम सी क्यूज के हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड एम सी क्यूज में हमें क्या कहा हुआ है, लिमिट x → 0 e^2x - 1/x। देखो इसको ये हम लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है कि e^2 अगर हमारे पास होगा लिमिट x → 0 e^x - 1/x, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर मेरे पास x को रिप्लेस कर दिया गया 2 से, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो लगा देंगे। तो इस केस में मेरे पास x की मतलब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो मेरे पास 2 हो जाएगा। अच्छा, इंटीग्रल फोर्थ एम सी क्यूज के पे हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एम सी क्यूज की तरफ, फोर्थ एम सी क्यूज हमें क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/3x + 4 dx है। ठीक है, अगर आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमें ये पता है कि 3x + 4 का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 dx। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिर्फ dx है, मैं इसको 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूँगी। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 dx / 3x + 4। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग क्या करेंगे, ln के साथ डिनोमिनेटर लिख देंगे, 1/3 ln of 3x + 4। ठीक है, सोल्यूशन। फिफ्थ एम सी क्यू उसके पास हम लोग बात कर देते हैं, तो हमारे पास क्या दिया है, d/dx log e^x। अच्छा, इसको हम लोग देखो, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, विच इज ln of x / ln of a। क्यों? क्योंकि इसका आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों को बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सॉल्व करके खैर मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई करी, वो रिजल्ट हमें ये कह रहा है कि log x को मैं ln of x / ln of a की फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। मैं क्या करूँगी अब इसके साथ फर्दर, मैं इसको 1/ln of a into ln of x लिख दिया। मैं क्या करूँगा, आप फर्दर आगे क्या करेंगे, 1/ln of a d/dx ln of x। आंसर यहाँ पे बाकी फर्दर जो है मैं इस तरफ करें, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1/x आ जाएगा। तो 1/ln of a into 1/x, आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/x ln of a। सॉल्यूशन मेरे पास इसका हो जाएगा, 1/x ln of a। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर अगर दिया हुआ है कि द इसेंट्रिसिटी द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज की सबसे पहले हम लोग कंडीशन क्या लगा रहे होते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने उसके ज़ीरो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस, हाँ ये भी मैंने आपको बताया, एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बात करेंगे तो हम वाई कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करते हैं, वाई एक्सिस से बात करेंगे तो हम एक्स एक्सिस को सेलेक्ट करते हैं। सेंट्रिसिटी ऑफ अ प्रॉपर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन हमारे पास वो होता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे ये हो गया। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा होता है, हमारे पास आंसर की वैल्यूज होती है वो पॉइंट में आ रही है, जैसे ये 0.5 आ रहा है। अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, यानी कि ये पॉइंट्स में आ रही होगी, तो ऑब्वियसली वो लेस देन 1 होगी, उस केस में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। क्या करना होगा, जब एक्स इंटरसेप्ट निकालना होगा तो वाई को मैं 0 पुट कर दूंगी, मेरे पास 0 हो जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, x² - 3x - 2x + 6
जीरो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 5 माइनस 5 एक्स प्लस 6। ऑल व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज नाउ किसको सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स की वैल्यूज को निकालें, मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई करते हैं या क्वाड्रेटिक अप्लाई करते हैं। यूजुअली मिडिल टर्म ब्रेक से 2 मिनट का सोल्यूशन होता है और एक्स की वैल्यू आपके पास निकल आएगी, जनरेट हो जाएगी। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं एक काम करूँगी, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। इंस्टेड यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की भी आप लोग को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जीरो अप्लाई कर दो, ठीक है। 0 + 4 अपॉन 0 + 2, 2 1 2 2 2 4, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 बन जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डेरिवेटिव का चार्ट मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर 4 के अंदर, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाता है, 1 / 1 + x², ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, d अपॉन dx साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर हमें पता है कि अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स और इसको मैं पहले एक डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन अप्लाई करके फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, वो मेरे पास क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास होता है माइनस कॉस 2x के, ठीक है। और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी, मुझे पता है साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस 2 साइन 2x, ये माइनस माइनस से प्लस हो गया 2 साइन 2x हो गया, ठीक है। आंसर मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x। 1 अपॉन अच्छा हाँ, दो लाइन जब अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उसकी भी उसकी दो कंडीशन, परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन होती है हमारे पास, ठीक है। अगर दो लाइन्स हमारे पास परपेंडिकुलर होंगी तो वो मेरे पास उसके केस क्या होता है, a1 b2 - a1 b2 - b1 a2 = 0, दिस फॉर द केस व्हेन टू लाइन्स प्रोवाइडेड आर परपेंडिकुलर, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स dx, साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल हो गया, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो इनका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स प्लस 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया है, बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दूँगी। फॉर एनी क्वेरीज टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।